तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम आए थे फ्यूनरल पे अपने वो अंडरवियर मास्क मैन के साथ। तो गाइस, फ्यूनरल पे हम आए थे ट्रेवर को पकड़ने के लिए, बट ट्रेवर हाथ से निकल गया था। बट कोई नहीं, हम उसके पीछे अपने बंदे लगा दिए थे। गाइस, फ्यूनरल पे पूरा खून खराब हो गया था, तो मुझे समझ नहीं आता, तो मैंने फटाफट लेस्टर को कॉल किया। तो लेस्टर बोला था होल्ड करो जब तक वो अपना अंडरवियर मास्क मैन उसका फॉलो नहीं करता। तो ऑल राइट गाइस, मास्क मैन ने हमने लोकेशन भेज दिया है और हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हमने फटाफट ओला बुक कर लिया। तो ओला का आने में थोड़ा वक्त है, तो वेट करते हैं। तो आज का मौसम भी बारिश वाला है, तो आज का दिन भी कैसा जाएगा पता नहीं, तो फटाफट वेट करते हैं ओला का। तो गाइस, पूरा 56 मिनट वेट करने के बाद मुझे ओला नहीं मिला। अब हम गाड़ी हाईजैक करेंगे। अरे अरे, कोई नहीं, हम दूसरा गाड़ी हाईजैक करेंगे। अब जिसको भी हाईजैक कर ही लेंगे। अरे भाई साहब, ये भी नहीं हो रहा है। तो कोई नहीं, अब हम गन निकालेंगे तब हाईजैक करेंगे। बहुत हो गया मजाक मस्ती, अब हमें अपना माफिया लल्लू को लाना पड़ेगा। तो इसको नहीं, पीछे वाला गाड़ी को हाईजैक करेंगे। अब इसी गाड़ी से हम जाएंगे। तो चलो भैया, तुम निकलो, भाग जा गाइस, अभी गन दिखाएंगे, फटाफट भागेगा। हट जाओ तुम, हमें जाने दो, हमको जाना फटाफट। चलो तुम गाड़ी ये भूल जाओ, तो चलते हैं फटाफट लोकेशन पे। बाकी चल के देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे, लोकेशन मिला कि नहीं वो अपने मास्क मैन को। तो फटाफट गाड़ी भगाते हैं। तो गाइस, गाड़ी भगाते भगाते आ चुके हम सिटी से बहुत दूर, और लोकेशन यहीं का है। तो फटाफट गाड़ी भगाते हैं, और जैसे कि लोकेशन तो यहीं का है, और बाकी मास्क मैन हमें दिख गया है, बट ये छुपा क्यों है पता नहीं। तो हम भी छुप के चलेंगे, कहीं हम ना दिख जाए, कहीं ये छुप के उसको पता कर रहा हो, या फिर किसी को ये जासूसी कर रहा है। तो गाइस, मुझे लगता है कि यहीं पे है ड्राइवर, आके रुका होगा यहाँ होटल उटल पे। तो चल के उतर के बात करते हैं मास्क मैन से, यार पूछते हैं आखिर क्या सीन है, कि कहाँ है ड्राइवर। आखिर यही हमें बता सकता है कि आखिर ड्राइवर कहाँ पे है। तो गाइस, मेरी मास्क मैन से बात हो गई। मास्क मैन कह रहा है पे आया अपने टीम के साथ है, वो केबल से ऊपर गया शायद। तो ऊपर क्यों गया वो तो मुझे नहीं पता, बट इसका थोपड़ा हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सामने देखो, सामने फोकस करो कि देखो वहाँ पे बंदे है उसके। तो गाड़ी वहीं खड़ी, तो यानी कि ये ड्राइवर यहीं पे आया। अब यहाँ से कहाँ गया, मुझे लगता है ये केबल से ऊपर गया है, क्योंकि माउंटेन पे जाने के लिए कि यही रास्ता है। तो ये जब तक बात कर रहा लेस्टर से, तब तक वेट करते हैं लेस्टर का। फाइनली लेस्टर भी आ चुका है, तो लेस्टर से चल के बात करते हैं। बाकी लॉस सेंटोस का यार ओला ड्राइवर एकदम महागान, कैसे गाड़ी चलाता है पता नहीं, कोई आता नहीं है, कोई चला नहीं पाता। तो खैर, ये सब फालतू बातें हैं। तो चल के एक बार फटाफट लेस्टर से बात करते हैं। तो गाइस, लेस्टर ने भी बोल दिया है कि ड्राइवर का लोकेशन यहीं पे शो कर रहा है, माउंटेन साइड। तो लेस्टर कह रहा है कि थोड़ा वेट करो जब तक सामने हो जाती, शाम होने के बाद तुम यहाँ से एकदम उस पर अटैक कर देना। पहले नीचे को फिनिश करना, उसके बाद ऊपर जाके पता करना। बाकी ये हमें कुछ प्रोवाइड करेगा, अपना सामान जितना भी कुछ है। तो वेट करते हैं शाम होने का, फिर मिलेंगे, देखते हैं क्या करना है। बाकी लेस्टर हमें कॉन्टैक्ट में बताते रहेगा। तो ऑल राइट गाइस, शाम हो चुका है और अटैक करने का वक्त आ चुका है। अब चलते हैं फटाफट उन पर अटैक करने के लिए। बाकी हमने मास्क पहन लिया है ताकि किसी को पता नहीं चले कि हम माइकल है। तो फटाफट चलते हैं उन पर अटैक करते हैं। बाकी एक भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, हम सामने आ चुके हैं, अब इन पर मारेंगे पीछे से। तो चाकू है हम पे, गोली नहीं चलाएंगे ताकि किसी को पता नहीं चले। तो फटाफट इन पे अटैक करते थे, एक को डाउन करते पहले यहाँ पे, ये बंदा अभी तक देखा नहीं। तो इसको पेट में देते हैं, एक और देते हैं, इसी के साथ दोनों मर चुका है। ये मास्क मैन कुछ कर नहीं रहा था, बाकी ये गोली अभी भी मार रहा है। लोकेशन इसने दे दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो लोग तो ऊपर गया होगा शायद। तो चलते हैं फटाफट ऊपर, और हमें केबल का वेट करना होगा। तो केबल यार कभी टाइम पे आता नहीं है, तो वेट करते हैं केबल आने का। बाकी गाइस, उस बंदे ने लोकेशन दे दिया गोली चला के, मुझे डर है कि कहीं पता नहीं चल जाए। फाइनली केबल आ चुका है, तो चलते हैं फटाफट, हमारे मास्क मैन अंदर चलते हैं, फटाफट ऊपर लोकेशन पे चलते हैं। बाकी एक बार लेस्टर से कहीं कॉल करके पूछना होगा कि आगे क्या करना है। बाकी गाइस, माउंटेन का व्यू देखो, क्या ही व्यू आ रहा है ऊपर का, मतलब रात का वक्त है। तो चलते हैं फटाफट ऊपर। तो फाइनली हम आ चुके हैं ऊपर, और यहाँ पे मतलब क्या ही वेदर है, मतलब चारों तरफ येलो येलोइस। तो एक बार फ़ोन कर लेते हैं लेस्टर को, और बाद में वेदर वेदर खेलेंगे। तो लेस्टर से मेरी बात हो गई। लेस्टर ने एक हमें मशीन दिया था, इसमें ड्राइवर का लोकेशन हमें शो होगा। तो इस मशीन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ड्राइवर का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो चलते हैं फटाफट, यहाँ से पहले निकलते हैं बाहर। बाकी गाइस, इस मशीन में ड्राइवर का एग्जैक्ट लोकेशन शो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अब ड्राइवर को हम पकड़ लेंगे। तो चलते हैं फटाफट, रात भी होने ही वाला कुछ देर में। तो ये देखो अपना व्यू, क्या ही व्यू है ऊपर से, मतलब सबसे ऊपर खड़े हम लोग माउंटेन पे, और वो रहा अपना दूर में लॉस सेंटोस। खैर, लोकेशन तो यहाँ का आ रहा, बट यहाँ मरने गया था क्या ड्राइवर पता नहीं। तो एक बार आगे चलते हैं, मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ है, बट एक सेकंड मुझे कुछ दिखा। तो चलते हैं एक बार आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या। बट एक सेकंड गाइस, यहाँ पे पूरा एक बेस बना हुआ है, यहाँ पे एक प्रॉपर बेस है यार, मतलब कि ट्रेवर यहाँ पे आया था हेलीकॉप्टर से थ्रू, पता नहीं क्या सीन है। मुझे एक बार बात करना होगा अपने मास्क मैन से। तो गाइस, मेरी मास्क मैन से बात हो गई, मैंने उसे समझा दिया कि अगर कुछ भी होता है तो तुम ऊपर से फायरिंग दे देना, बाकी हमको जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि मास्क मैन का लड़ाई ये है नहीं, वो तो बस एक मदद करने के लिए पर्पस से है। तो हम चलते हैं फटाफट, मैंने रोप लगा दिया, वो तो अच्छा हुआ लेस्टर ने हमें सारा सामान प्रोवाइड किया था, तो जिसके थ्रू हम यहाँ पे आ सक रहे। तो चलते हैं फटाफट नीचे, बाकी इस बिल्डिंग पे हमें छत पे लैंड करना, बट मुझे लगता नहीं कि छत पे हो सकेगा। बट एक सेकेंड, ये नीचे गिर गया, वो भाई साहब मर जाएंगे लगता है।
क्या ही स्लोमो हो रहा है, बट एक सेकंड बाल बाल बचे, मेरा मेन पॉइंट टूट जाता है अभी। तो फाइनली गाइज हम नीचे आ चुके हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ चुके हैं, तो चलते हैं फटाफट सीढ़ी से ऊपर। बाकी गाइज हमने एक हेलीकॉप्टर देखा था जो ऊपर लैंड था, तो चलते हैं फटाफट हेलीकॉप्टर के पास और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ऊपर से तो दिख नहीं रहा था, तो वो रहा हेलीकॉप्टर सामने, तो चल के पहले देखते हैं कि क्या सीन है। बाकी मुझे लगता है वहाँ पर ड्राइवर भी है एक सेकेंड, तो अगर यहीं पर हो सके तो यहीं पर मार देंगे उसको। वेट करते हैं, एक बार मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो एक बार अपना स्कोप खोल के देख लेते हैं कि कितने बंदे वहाँ पर। बट एक सेकेंड, यहाँ पर तो अपना बैनी है, तो मुझे लगता है बेनी को इसने किडनैप कर लिया है और ये बेनी को कहीं ले जा रहा है शायद, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। बट ड्राइवर भी यहीं पे, बट हम इसे मार नहीं सकते, उसका बंदे जितने भी एम करके बैठे हुए हैं अपने बेनी पे, तो बेनी को जान पे थोड़ा खतरा है, तो इसको जाने देते हैं, बाकी लोग निपटाएंगे अभी हम, देखो कैसे। गाइज हम गोली चलाते तो अपने ड्राइवर के साथ साथ अपना बेनी भी मारा जाता, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। ड्राइवर को हम बाद में ही पकड़ लेंगे, बाकी ये क्यों पकड़ के ले गया बेनी को पता नहीं, तो एक एक करके सबको फिनिश करते हैं। बाकी ये बंदे को पता नहीं, ये सप्रेस पिस्टल है हमारा, तो फटाफट ये एक तो नीचे गिर गया, तो फटाफट चलते ऊपर। मुझे भी लगता है कि ऊपर बंदे होंगे क्योंकि आवाज़ आ रही है, तो ये रहा मेन गेट शायद, तो वेट करते हैं। बाकी अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है, तो इसको खोलते हैं। बट एक सेकंड यहाँ पे कोई है, एक सेकंड यहाँ पे इसको पहले निपटाते हैं। बाकी एक आवाज़ और आ रही है, एक सेकंड ये भी कोई है, तो इसको फिनिश करते हैं। बाकी आगे चलते हैं। तो गाइज ये प्रॉपर एक मतलब रूम, मतलब तब ड्राइवर ने एक प्रॉपर बेस बना के रखा था अपने रहने के लिए। ड्राइवर शायद यहाँ पे आता जाता था, तो एक रूम यहाँ भी है जिसमें कुछ मतलब आवाज़ें आ रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई है, तो एक बार इसको खोलते हैं, चलते हैं अंदर। एक सेकंड यहाँ पे बंदे प्लेस को मारते हैं, हैंड्स अप कर ले भाई, तू पिट गया। अरे यार गोली लग गया मशीन में। गाइस सबसे डाटा निकल सकता था, खैर कोई नहीं, लेस्टर पता कर लेगा। तो खैर चलते, एक हमें सीढ़ी नीचे भी दिखी थी, जैसे कि यहाँ ये रहा सीढ़ी, तो चलते हैं फटाफट नीचे। बट यहाँ पे भी कुछ आवाज़ें आ रही है। बट एक सेकंड यहाँ पे एक बनता है, तो ये भी टेररिस्ट है, तो एक सेकंड इसने पहले ही हैंड्स अप कर लिया। बट एक सेकंड इसने सुसाइड कर लिया, गाइस इसने तो सुसाइड कर लिया पहले ही, इसको पता था कि कुछ हो रहा है, तो इसलिए पहले इसने डाटा लीक मतलब सारा डाटा को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट एक सेकंड यहाँ पे अपना मैप है लॉस सैंटोस का, मतलब ट्रेवर कुछ कर रहा था यहाँ पे, यानी कि कुछ बड़ा प्लान है ट्रेवर का हमें मारने का या फिर इस सिटी को बर्बाद करने का, वो तो मुझे नहीं पता। फटाफट चलते ऊपर। और बाकी एक सेकंड, जिससे कि आपको पता हुआ कि बेनिक उठाया था, तो उसने हॉस्पिटल से डॉक्टर को भी उठा लिया था, और डॉक्टर ये रहा यहाँ मरा पड़ा है। तो बस ऑल राइट गाइज, आज के लिए यहीं पर। तो हमने ट्रेवर को मिस कर दिया, बट बेनी था हमारा, इसलिए। तो मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।